would you stay till the morning light? Hi, good morning. Classic शुरू होने के बाद अपना पहला व्लॉग है, सो आई एम गोना कीप गिविंग यू चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन माय लाइफ. द वेरी फर्स्ट चेंजेस, द व्लॉग इज स्टार्टिंग 3 hours अर्ली दैन नॉर्मल टाइम, बिकॉज आई यूज टू वेक अप आराम से वेन एवर आई वॉन्टेड टू, एंड नाउ आई वेक अप टू द फोन वेन एवर देयर इज कोई काम. सो आई हैव टू गो समवेयर फॉर एन अर्जेंट वर्क. मेरा काम तो हुआ नहीं, तो आई हैव टू गो अगेन इन जस्ट एन आवर. सिर्फ 1 घंटे के डिफरेंस की वजह से वापस जाना पड़ेगा. एंड आई एक्चुअली डोंट हैव माई ओन कार राइट नाउ, एज इन मेरे पास है नहीं. डैड की कार है, बट डैड को ऑफिस है, तो द कार इज विथ हिम. ऑल्सो दिस कलर इज कमिंग वेरी सून. उपमा, यस, उपमा बहुत अच्छा लगता है. अगर मुझे बोल दिया ना एक बार कि अच्छा आपको उपमा खाने मिलेगा, एंड देन इफ वी हैव चेंज्ड टू एनीथिंग एल्स, आई एम लाइक नहीं अब मेरे को उपमा खाने का. मेंटली वंस इट्स रजिस्टर्ड कि ये खाने मतलब फिर वही खाने को चाहिए. सीजन ने गिव अप कर दिया. कितने साल चली थी. व्हाट गोज इनटू माय स्मूदी अलोंग विद मिल्क, ओट्स, कोको पाउडर, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज़ आई वांटेड इट विद स्वीटर, बादाम, खजूर और दूध. माय लास्ट पैकेट ऑफ सोया मिल्क विद मी राइट नाउ, तो आई एम ओनली गोइंग टू यूज हाफ ऑफ इट एंड सेव द अदर हाफ. यू डोंट नो दैट आई डिडंट थ्रो योर स्टफ अवे बिफोर यू मेक अप योर माइंड दैट आई एम नोवेयर टू फाइंड देम स्टैंडिंग राइट हियर. आई नो दैट आई टोल्ड यू वर ओवर, आई स्वेयर दैट आई एम सोबर, जस्ट लिसन. Time for round number 2. Let's go. Stay till the morning light. Oh, would you follow me? Oh, would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. The other founder, Kumar Agarwal, is already here. तुम बहुत तीखा बनाया जानबूझ के, क्योंकि मेरे को तीखा खाने से एलर्जी है. मेरे को एक नैपकिन लेके बैठना पड़ता है इसके वजह से जब भी खाना बनाती है, मगर खा लेते हैं हम, ऑप्शन नहीं है ना, क्या करें. तो आई जस्ट हैड थोड़ा सा ओट्स जो मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाया था, एंड उसके साथ अनियन. हाँ, दैट इज ओट्स, दिस इज ओट्स, बट मेरा खत्म हो गया तो मैं कैसे दिखाऊं? प्रूफ तो देना पड़ेगा. मैंने खत्म किया मेरा ओट्स फॉर अ चेंज. अभी और 2 shoots बाकी है, फिर वी ईट डिनर. फाइनली डन, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मील यू सी. कैसे आता है आपको ऐसे आइडियाज? आ जाते आपके जैसे है, रहते हैं सब फिर हेल्दी खाने वाले. आप भी यही खाओगे ना? यस, गुड. एंड ऑलमोस्ट ऑल द वर्क फॉर टुडे इज डन, तो आज रात को फाइनली चिल करेंगे थोड़ा. बाप रे, हॉरर मूवी का सीन. फाइनली वी बैक, एंड सारा मिला द एक्सेसरीज आई नीड फॉर द शूट. आई ऑल्सो गॉट वन मोर एक्सेसरी. आई एम नॉट एन एक्सेसरी, यू आर. एंड फाइनली
फाइनली माय मैट्रेस इज हियर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस सो मेनी डेज बट द डे सीम लॉन्ग बिकॉज एक बार वो दिमाग में आ जाता ना, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन अ वेरी अमेजिंग बेड. बैंगन का सब्जी, करेले का सब्जी, रोटी, आंवला का अचार, कैरी का अचार, कढ़ी, दही और कुछ था, चावल. तो नाउ माय मॉम इज बिहाइंड माय लाइफ कि अगर मैंने घर साफ नहीं कराया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा. तो अभी हम घर साफ करेंगे जो हमने मिस किया था कल के शूट में. आई वाज सो अपसेट कि 10 मिनट के क्लीनिंग के लिए मम्मी ने इतना चिल्ला दिया मेरे पे, बट नाउ आई हैव बीन अलॉटेड अ न्यू वर्क टू क्लीन माय वार्डरोब. तो अभी बस वही चल रहा है. पेड़ कैसा लगा? बहुत अच्छा है. और तुम्हें? बहुत अच्छा पेड़ है, अत्यंत अच्छा. डोंट फील लाइक वॉकिंग एट ऑल, बट नो, वी शैल गो एंड शूट अगेन टुडे. फाइनली बहुत सारा काम करने के बाद हम बैठे हैं सीक्वेंस खेलने. दूसरा की तीसरा कितना गेम है? दूसरा गेम है, अच्छा चल रहा है. पहला गेम कुमार जीता था छल करके. दूसरा गेम इतना इंटेंस चल रहा है कि आई रिमेम्बर दैट आई हैव टू शो यू दिस. बोर्ड ऑलमोस्ट भर चुका है एंड अभी तक किसी का एक भी नहीं हुआ. एक भी सीक्वेंस नहीं. ऑब्वियसली ब्रो, व्हाट डू यू थिंक किसका बनेगा एक? मेरा. वो डोंट नो हु इज प्लेइंग विद दैट. द बेस्ट इन बोर्ड. अच्छा, प्रीवियस गेम कौन जीता था? छल करके जीते थे. मेरा बन रहा था, तूने मेरा एक्सपोज किया. हम अंडर में हम दोनों जीतते हैं. ऐसा कुछ नहीं, मेरा बन रहा था, तूने मेरा एक्सपोज किया और सारा अटेंशन मेरे सीक्वेंस पर डाल दिया और खुद ने चुपचाप बना लिया. ये छल नहीं है तो क्या? ये है मेरे कार्ड्स, देखते हैं अभी कुछ बनता है. Hi, it's day 3 of the vlog and मेरे को इतना थोड़ा सा frustration हो रहा है कि I am not able to show you exactly क्या काम कर रहे हैं because everything is so secret as in क्योंकि product launches और होने वाले हैं तो I cannot share with you about the next product launch until the launch has happened. तो इतना frustrating हो जाता है मुझे कि there's so much happening every single day. तीन दिन में इतना काम हुआ है कि I cannot एक्सप्रेस, इतना सारा हुआ है बट आई नॉट एबल टू शो यू. तो एक बार मेजोरिटी ऑफ आर लॉन्चेस आर डन एंड देन थोड़ा एक प्रोसेस हो जाएगा ना, एक फ्लो हो जाएगा ना हमारे शेड्यूल का, देन आई बी एबल टू शो यू मोर अबाउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स ऑफ रनिंग योर ओन कंपनी. बाथरूम टूर तो आना है बट आई शो यू अ ग्लिम्स. टोटल एब्सोल्यूट मेस ओवर हियर. फेस मास्क के साथ टूथपेस्ट ऐसे पड़ा है, फ्लॉस, इट्स अ मेस. Now there are two ways of seeing everything. Ke, oh, she's super lucky skin care hai, and I truly believe that ki I am very lucky ki I get to try these things, some things even before they're going to launch. Another side is I actually keep trying these things before making a video. Now yaar, usual YouTube community mein, I should go out, ek ho raha hoga. Usual YouTube community mein brand is considered a bad thing, as in it's sponsored, oh it's not going to be honest. I personally love doing brand deals and working with brands because mera process bahut hi ek fixed process hai how I decide whether I want to work with a brand or not. So I only work with those brands unke sath yaar mereko product acha laga. Uske chakkar mein my bathroom is always full because before any campaign is supposed to happen I try the product so many times and you won't believe how many products there are in my rejection file as in the products that did not work for me. So I refuse to promote that particular product from any brand. So I kind of treat my skin like a testing phase, like testing place, but it has been doing well. If a product doesn't work for me I stop using it. So mera skin utna damage nahi hota hai. I'm happy with my skin right now. चलो बैक टू वर्क. 10 मिनट काम कर सकते हैं, देन आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गो फॉर अ बाथ ओनली बिकॉज
आई डोंट लाइक कीपिंग फेस मास्क फेस पे ज्यादा टाइम तक. डू यू ऑल्सो रैंडमली स्टार्ट डांसिंग? मजा. ऑल्सो वॉट वॉज विद द बिजली का बिल दिस मंथ? थैंक गॉड डैड ने इतना डांट डांट के कम एसी यूज करवाया था पूरे पिछले दो महीने में. एंड मॉम और मैं इतना मिसअंडरस्टैंड किए थे डैड को कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो. बहुत लोगों का बिल 50,000 एक लाख आया है, हमारा हो गया 20,000 के नीचे. इट्स या डैड डिड टेल मी के तीन महीने का आधा आधा अमाउंट उन्होंने ऐड किया है. बट एनी वे चेज जिसको पे करना होता है भाई उसी को समझ आए. एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज ऑलरेडी फॉर ऑल ऑफ अस टू मीट आर एक्सपेंसेस. उसमें ऐसा बिजली का बिल आएगा तो व्हाट इज अ नॉर्मल पर्सन गोइंग टू डू. तो पंखे के नीचे मेरा बिस्तर लगाती हूँ अभी एंड मैं पंखे के नीचे सोती हूँ टू अवॉइड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. बस नहाने का टाइम. सो दिस इज व्हेन आई वॉश ऑफ द फेस मास्क. जब भी टच करके भी हाथ पे कुछ ना आए तब मैं जाकर धोवाती हूँ. एंड आज बाल भी धोने हैं एंड यू नो माय हेयर वॉश डेज आर माय फेवरेट. फील गुड. एंड द फन पार्ट इज दिस इज एक्चुअली जस्ट द स्टार्ट ऑफ माय डे. आज पूरा दिन शूट करना है. मम्मी पापा फ्लाइंग डिश देखे तो मैं भी फ्लाइंग डिश देखते देखते खाना खाऊंगी. एंड पूरा दिन शूट करना है. आई डोंट इवन नो इफ आई बी एबल टू अपलोड द वीडियो टुडे इटसेल्फ. शायद संडे को पोस्टपोन होगा. आई एम रियली सॉरी. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.